ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमौक्तिं विधेम। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। जुट जाए हम सब मिल कर जुट जाए हम सब मिल कर के नवयुग के निर्माण में जुट जाए हम सब मिल कर के नवयुग के निर्माण में आवो हम खुशहाली वो दें आवो हम खुशहाली वो दें हो आवो हम खुशहाली वो दें फिर से इसी जहान में जुट जाए हम सब मिल कर के नवयुग के निर्माण में जुट जाए हम सब मिल कर के। ये धरती है पूज्य हमारी ए हम सबकी माता ये धरती है पूज्य हमारी ए हम सबकी माता ये धरती है पूज्य हमारी ए हम सबकी माता ये धरती है पूज्य हमारी ए हम सबकी माता हर किसान इसके वरदानों से दाता कहलाता हर किसान इसके वरदानों से दाता कहलाता ये वरदान हमें मिलते हैं ये वरदान हमें मिलते हैं खेतों में खलिहान में जुट जाए हम सब मिल कर के नवयुग के निर्माण में जुट जाए हम सब मिल कर के। सब बेटे मिल आज संवारे धरती माँ के रूप को सब बेटे मिल आज संवारे धरती माँ के रूप को सहते जाते हंसते गाते जाना पानी धूप को सहते जाते हंसते गाते जाना पानी धूप को बहे पसीना तन से श्रम का बहे पसीना तन से श्रम का माता के स्नान में जुट जाए हम सब मिल कर के नवयुग के निर्माण में जुट जाए हम सब मिल कर के। कहीं न ऐसा हो कि हमारे रहते माँ बदनाम हो कहीं न ऐसा हो कि हमारे रहते माँ बदनाम सभी लोग इस पंक्ति को साथ साथ दोहराएंगे ताली बजाते हुए साथ साथ गाएंगे कहीं न ऐसा हो कि हमारे रहते माँ बदनाम हो कहीं रहते हुए अन्नदाता के कहीं न भूखी शाम हो रहते हुए अन्नदाता के कहीं न भूखी शाम हो व्रत ले दाग न लगने देंगे व्रत ले दाग न लगने देंगे माँ की पावन शान में तो
जुट जाए हम सब मिल करके नव युग के निर्माण में, जुट जा सब लोग ताली बजाकर साथ साथ गाएं, नव युग के निर्माण में आवो हम खुशहाली वो दे, आवो हम खुशहाली वो दे हो, अब हम खुशहाली वो दे फिर से इसी जहान में, जुट जाए हम सब मिल करके नव युग के निर्माण में, जुट जाए हम सब मिल करके नव युग के निर्माण में, जुट जाए हम सब मिल करके। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज इस ग्राम संकुल योजना के सत्र में शुभारंभ के समय मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर बजरंगलाल जी, आदरणीय डॉक्टर सिद्धिनाथ सिंह जी, डॉक्टर दिनेश जी और हम सब के परिचित और KVIC के माध्यम से बहुत बड़ी क्रांति लाने वाले डॉक्टर महेश जी, गुणाकर जी, हमारे DP सिंह भाई साहब और केदार दुबे जी, सभी यहाँ उपस्थित स्थान स्थान से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे ग्राम संकुल योजना से जुड़े विभिन्न संगठनों के हमारे कार्यकर्ता, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, जब भी बात की जाती है ग्राम की अर्थव्यवस्था के बारे में तो हम लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि हम लोग इस बात को 40 साल बाद कर रहे हैं। 40 साल में बहुत नुकसान हो चुका है, अब उस नुकसान को ठीक करना और उसके बाद नुकसान को ठीक करके फिर उसके बाद आगे बढ़ना तभी संभव हो पाएगा जब हम बहुत बड़े जनमानस को आंदोलित कर सकें। तो उसी स्तर का ये आंदोलन है ग्राम संकुल। जब मैंने इसको पढ़ा पूरी तरह से, हर संगठन अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है पर हमारे देश में एक परंपरा क्या है कि हम मिल बैठ करके काम नहीं कर सकते। संगठनों का सहगमन अगर साथ साथ होने लगे, सज्जनों का संगतिकरण साथ साथ होने लगे तो वास्तव में सही अर्थों में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी शक्ति है कि भारत में जैसा डॉक्टर शर्मा जी ने बताया, महेश शर्मा जी ने बताया कि आज से हम 150-150 साल पहले एक्सपोर्ट करते थे, आज हम इम्पोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये कि उस ज़माने में संगठनों की शक्ति थी ऐसी मजबूत कि आपस में एक दूसरे को सुहाते थे, एक दूसरे को प्यार करते थे, एक दूसरे से मिलते भी थे। ये जो आज़ादी के बाद जो तंत्र आया है, आर्थिक तंत्र 47 के बाद, मैं तो आज़ादी के बाद की पैदाइश हूँ इसलिए मुझे उसके पहले के बारे में मैंने जो पढ़ा है वही जानकारी है, पर जो बाद का है वो मेरे आंखों से देखा हुआ है। मेरे पिताजी की पोस्टिंग स्थान स्थान पर, छोटे छोटे स्थानों पर भी होती थी, बड़े स्थानों पर भी होती थी। मैंने देखा है कि गांव में जो मिलने की परंपरा थी वो धीरे धीरे करके टूटती चली गई और उसको तोड़ने का काम किया हमारी संघीय व्यवस्था में जो थोड़े से गड़बड़ियाँ थीं उसने। हमने एक तो सबसे बड़ा काम किया कि राजनीति को नीचे तक उतार दिया। आनी चाहिए राजनीति, नीचे आनी चाहिए, स्वच्छ राजनीति आनी चाहिए। प्रखंडों को, खंडों में, ब्लॉक्स में, सब जगह, पंचायतों में, सब जगह जो चुनाव होने लगे और उसकी वजह से आदमी टूट सा गया, वर्गों में बट गया है पूरी तरह से। इससे आर्थिकी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मुझे जो लगता है आर्थिकी का जो प्रभाव है, आर्थिकी पे जो प्रभाव पड़ा है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम
लोगों का आध्यात्मिक विकास करने में असफल रहे और लोगों के जो राजनीतिक भागीदारी के लिए उनको जो मोटिवेट किया वो शायद बहुत जरूर से जल्दी हो गया और वो नहीं होना चाहिए था। उसके पहले मनुष्य का विकास होना चाहिए था। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे तुम आदमी को विकसित करो, मनुष्य बनाओ, सबसे पहले मनुष्य बनाओ, उसके बाद मनुष्य बन जाए अगर तो उसके बाद फिर उसको जो बनाना है बनाओ। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बना देते हैं उसके बाद सोचते हैं कि मनुष्य बने ही है। तो मनुष्य कैसे बनेगा? पहले एक आदर्श मानव बने, अच्छा व्यक्ति बने, तब तो वो कुछ कर पाएगा। आरएसएस ने बहुत प्रयास किया है, इस क्षेत्र में काम किया है बड़े व्यापक स्तर पर अपने अपने विभिन्न प्रकोष्ठों के माध्यम से। गायत्री परिवार ने बहुत प्रयास किया है अपने माध्यम से, पर हम लोग कहीं ना कहीं 30-40 साल पिछड़ गए। 30-40 साल जो पिछड़े हैं इसकी भरपाई करने के लिए क्या करें? हमें जो योजना हम बना रहे हैं इन योजनाओं को तुरंत हम लागू करना आरंभ कर दें, और लागू करने के लिए हम इनके जो आर्थिक लाभ होंगे, सामाजिक लाभ होंगे, आध्यात्मिक लाभ होंगे, इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करें, जागृति पैदा करें। इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लें और जन जन के बीच में जाकर के इन बातों को कहें, तब तो हमारा ये आदर्श ग्राम योजना, संकुल योजना सही अर्थों में क्रियान्वित हो सकेगी। नहीं तो क्या होगा कि और योजनाओं की तरह से ये भी एक योजना बन करके रह जाएगी और जितने संकुल बन गए हैं उन संकुलों में वो विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो ये पहला प्रयोग जो हम लोग कर रहे हैं कि अब हम लोग सब मिल के बैठ रहे हैं, हम मिल बैठ करके चर्चा करें 3-4 दिन तक और मैं हमेशा के लिए आश्वासन आमंत्रण देता हूँ आदरणीय बजरंगलाल जी को कि जब भी आपको इस विषय में बात करनी हो, क्योंकि गुरुदेव का सबसे प्यारा विषय था कि ग्रामीण स्तर पर जो आज पलायन हो रहा है, गुरुदेव कहते थे शहरों का मोटापा बढ़ गया है, उन्हें दुबला बनाना पड़ेगा, गांवों का स्वास्थ्य ठीक करना पड़ेगा, गांव दुबले होते जा रहे हैं। वास्तव में पलायन बड़ी तेज़ी से हुआ है। इस सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना है, 21वीं सदी की बता रहा हूँ मैं, पिछले 16-15 साल में सबसे बड़ी दुर्घटना है पलायन, माइग्रेशन ऑफ द मासेस फ्रॉम द अर्बन एरिया, फ्रॉम द रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मतलब आदमी जो भाग रहा है वो इतनी तेज़ी से भाग रहा है सुख सुविधाओं की, शहरीकरण की तरफ, कि वो ये भी नहीं सोचता कि वो क्या छोड़ के जा रहा है, स्वर्ग छोड़ के जा रहा है, नरक में जा रहा है। मतलब हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि आदमी इतनी नासमझी, अदूरदृष्टता, विवेकशीलता को अभाव को छोड़ कर कैसे उधर कर रहा है। केवल ये आकर्षण जो है सामयिक आकर्षण है, और सामयिक आकर्षण की वजह से सारे शहर हमारे जो हैं घिचपिच भरे हुए गंदे शहर बन गए हैं। अब इनको कब स्मार्ट बना पाएंगे मोदी जी, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि किसी चीज़ को जो टूट गई है, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है, उसको स्मार्ट बनाने के लिए वो नई सिटी बनाने की बात करते हैं। मेरे यहाँ भी बात चल रही है उत्तराखंड में, यहाँ एक स्मार्ट सिटी आ रही है देहरादून में, एक स्मार्ट सिटी उधर आ रही है रुद्रपुर में आ रही है। मैं सोचता हूँ कि ये आएंगे भी तो क्या होगा कि एक गंदी बस्ती हर एक के साथ, हर 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 चीज़ बनती उसके साथ चालू होती है, तो वो सबके सब गंदी बस्तियाँ भी बन जाएंगी और वो स्मार्ट सिटी जो बनेगी वो अलग सिटी बनेगी, इस सिटी से अलग होगी वो। तो इसका मतलब ये कि शहरीकरण बढ़ेगा और गांव की कॉस्ट पर बढ़ेगा, गांव की कीमत पर बढ़ेगा, गांव हमारा उजड़ेगा। और उजड़ता हुआ गांव जो है वो आप ये मान करके चलिए कि खेती को भी ले डूबेगा और मजदूर को भी ले डूबेगा, कृषक की जो बेसिक अस्मिता है उसको भी समाप्त कर देगा। कृषक भी चाहेगा कि मैं भी जाके चाय की दुकान खोल लेता हूँ, मैं भी एक कहीं किराने की दुकान खोल लेता हूँ, वो भी ख़त्म हो गई। मॉल्स खुल गए तो वो भी ख़त्म हो गई, सब पूरी बातें गड़बड़ा गई। इसलिए मैं निराशा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आशा की बात कर रहा हूँ कि हम आशा तभी है जब हम सब एक हों, एक होकर के चिंतन करें, एक होकर के मिलजुल करके अपनी बात रखें और अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है, जहाँ तक पहुँचना, प्लानर्स के पास पहुँचना ज़रूरी है। हम यहाँ सोचते हैं, बात करते हैं, प्लानर तक नहीं पहुँच पाते। प्लानर्स जो हैं, जो प्लान करने वाले लोग हैं, उन लोगों के पास आर्थिक तंत्र है, बड़ा बड़ा करोड़ों अरबों का बजट है,
वो बजट वहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कहीं यहाँ नीचे नहीं पहुँच पाता है। राजीव गांधी ने कहा था हम देते हैं 100 रुपया और 100 रुपये में से 90 रुपया जो है बीच वाले खा लेते हैं, 10 रुपये पहुँच पाते हैं, वो भी नहीं पहुँच पाते, 10 रुपये भी नहीं पहुँच पाते। स्थिति वास्तव में बड़ी विषम है, जब हम बात कर रहे हैं तो बड़ी विषम परिस्थितियों में बात कर रहे हैं हम। तो ये विषय मेरा विषय नहीं है ये पूरी तरह से, मेरा विषय लोगों के आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास, उसकी बात करना है। पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक आध्यात्मिक विकास व मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, जब तक कि आदमी श्योर नहीं होगा कि वो जिंदा रह पाएगा कि नहीं। पेरिस की जो अभी समिट हुई है, उस पेरिस समिट के बारे में भाई साहब ने बताया, शर्मा जी ने, कि उसके बारे में सुनने में आया है कि 2 डिग्री टेम्परेचर जो है कम से कम 1.5 आ जाए टेम्परेचर आ जाए। ये सारा का सारा आश्वासन पर आधारित है पूरा के पूरा। हम कोयला जलाना बंद कर देंगे, कोयला जलाना बंद कर देंगे, 20 साल बाद बंद करेंगे, तो 20 साल तक तो जलाते ही रहेंगे। और इसके साथ साथ जितना भी गर्म होगा प्लेनेट गर्म होगा, उस प्लेनेट के साथ साथ आप मान करके चलिए इसी दौरान शहरीकरण भी बढ़ेगा। इसी दौरान बहुत बड़ा एक मजदूर वर्ग जो है वो पैदा होगा, और मजदूर वर्ग पैदा होने के साथ साथ और भी कई चीज़ें ऐसी होंगी जो अप्रत्याशित होंगी, और उसके साथ अपराध बढ़ेंगे, यौन दुराचार बढ़ेंगे। आपने देखा होगा जैसे जैसे अपराधीकरण शहरीकरण बढ़ा है वैसे वैसे अपराधीकरण बढ़ा है। गाँव में इतने किस्से नहीं होते, गाँव में एक आध दो अपवाद कुछ छोटा सा किस्सा हो जाता है, पर शहरों में ये किस्से बहुत होने लगे और इतनी तेज़ी से हो रहे हैं। आज संयोग योग मात्र है, संयोग तो नहीं कहूँगा मैं, योग मात्र है कि 16/12/12 आप सबको मालूम है, 2012 16/12/2012 को एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। पहले भी होते रहे बलात्कार, हमारे मंत्री जी भी बड़े प्रेम से कहते हैं पहले भी होते रहे तो कौन सी बड़ी बात है। मतलब ये कि हम इसको इतना इनसेंसिटिव, इतना ज़्यादा सेंसिटिव इशू को हम इतना ज़्यादा असंवेदनशीलता के साथ लेते हैं। 16/12 को जो हुआ था प्रकरण, उसके 4 साल आज पूरे हो रहे हैं, अभी तक किसी अपराधी को सजा नहीं मिली। अगर ये दुबई होता, सऊदी अरब होता, तो शायद उनको फांसी पर टांग दिया गया होता। अगर आप 10 को टांग देंगे, 15 को टांग देंगे, 20 को टांग देंगे, तो फिर आप मान करके चलिए कि फिर कोई आदमी हिम्मत भी नहीं करेगा कि मैं ऐसा करूँ। पर हमारे यहाँ दंड देने की परंपरा नहीं, क्यों? हम बड़े क्षमाशील हैं। हमारे देश में ये अगर हुआ होता तो शायद शहरीकरण के साथ जुड़ा हुआ ये अपराध, ये जो प्रकरण है, ये न पनपा होता। ऐसा एक आंकड़ा है मेरे पास जो मैंने कल शाम को कंप्यूटर से डाउनलोड किया, उसमें यह है कि 16/12 तक इन तीन साल में जितने अपराध, यौन अपराध हुए हैं, वो अपराध कम से कम 15 गुना ज़्यादा हुए हैं जो इससे पहले होते थे। इसका मतलब ये कि जो जनता की जो जागृति आई वो सब उसी समय की थी, सामयिक थी बस, और उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाया। तो ये जो शहरीकरण का जो साथ के साथ जुड़ा हुआ जो एक बहुत बड़ा मामला है, इसको ध्यान में रखते हुए हमको ग्राम संकुल की योजना को पैरेलल व्यवस्था के रूप में सामने रखना पड़ेगा कि यही उपचार है शहरीकरण का, यही उपचार है शहरीकरण से के होने वाले नुकसानों का, यही उपचार है आने वाले दिनों में गरीबी हटाने का, और यही उपचार है किसी राष्ट्र को ऊंचा उठाने का। कल मैं चाणक्य का एक सीरियल देख रहा था और उसमें छोटा सा एक बहुत अच्छा वो आया, प्रकरण आया, जिसमें चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी कहते हैं कि जब तक आप लोग व्यक्ति नहीं बनाएंगे और व्यक्ति बनाने के साथ साथ व्यक्ति को मिलाना चालू नहीं करेंगे, जब तक आप मिलकर के बैठेंगे नहीं, तब तक गणतंत्र कैसे मजबूत होगा। और जब व्यक्ति मिलेगा एक दूसरे के साथ, तो व्यक्ति मिलने के बाद फिर परिवार मिलेंगे, परिवार मिलेगा उसके बाद समाज मिलेगा, समाज मिलेगा उसके बाद गण मिलेगा, तब जाकर के देश जो है ये वो होगा, एक अखंड राज्य, अखंड राष्ट्र बनेगा। तक्षशिला में बैठ के चाणक्य सुना रहे हैं, ये आज से कितने साल पुरानी बात है और देखिए आज कितनी सटीक सिद्ध होती है कि आज हम लोगों ने मिलना छोड़ दिया। आज हमारे पास ये है ना स्मार्टफोन, हम इसके साथ दोस्ती ज़्यादा करते हैं। मैं नहीं कहता फ़ोन मत करो किसी को, पर इसके अंदर इतनी चीज़ें छिपी पड़ी हैं कि उनके साथ हम इतने दोस्त हो गए हैं कि हम एकड़ होते जा रहे हैं, एकड़ स्वार्थी, एकांगी, अपने तक सीमित होते चले जा रहे हैं। बस मैं, मान लीजिए कोई चीज़ खोजा आपकी, तो आप इतने परेशान नहीं होंगे जितना फ़ोन खोने पर परेशान होते हो आप। क्यों? कम्युनिकेशन सिस्टम गड़बड़ा गया पूरा का पूरा। बड़ी मुसीबत है। व्हाट्सएप आ गया और ढेर सारे और भी कई चीज़ें ऐसी आ रही हैं
कि फेसबुक आ गया, फेस एक दूसरे का देखते नहीं कभी भी, मिलते हैं नहीं, पर फेसबुक आ गई उसको देखते हैं जरूर। मैं जो कह रहा हूँ उस बात को वास्तविकता में समझने की कोशिश करना कि ये जो टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार हुआ है, टेक्नोलॉजी का जो जो भी रिवॉल्यूशन हुई है, इसके साथ साथ जो है सही माने ना माने इंसानियत का नुकसान हुआ है, मानवता का नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हम अकेले पड़ गए। हमें ये नहीं मालूम हमारा पड़ोसी कौन है। जब पड़ोसी को नहीं जानते तो फिर कॉलोनी को कैसे जानेंगे, गांव को कैसे जानेंगे। गांव में भी लोग नहीं जानते एक दूसरे को। गांव रोज एक नया अगणित गांव शहरों में मिलते चले जा रहे हैं, कस्बों में बदलते जा रहे हैं, कस्बे शहरों में बदलते चले जा रहे हैं। यहाँ आयरन मिल बनेगी, यहाँ पे राइस मिल बनेगी, यहाँ ये बनेगी बनेगी निश्चित रूप से बनेगी। पर जो गांव है उसको तो गांव रहने दो ना। गांव की ब्यूटी, गांव का सौंदर्य और गांव का जो सहज सौहार्द भरा जीवन है उसको तो जिंदा रहने दो कम से कम। गांव में एक खटिक होता था, आपको मालूम होगा खटिक, जो गाय अगर मर जाती थी और कोई भी पशु मर जाता था तो उसकी मांस का वो करता था, वो भी जिंदा रहता था वहाँ पर। और वो मुस्लिम होता था या कोई भी होता था तो भी वो उसको प्रेम से लोग उसको पालते थे, उसको रखते थे, क्योंकि उसकी वजह से वहाँ की सुरक्षा और जानवरों की सुरक्षा भी होती थी। जानवरों को सही ढंग से उनके मांस से वो अपना पेट भी भर लेता था। और उसके साथ साथ एक चर्मकार होता था जो चमड़े के जूते बनाता था, उसके साथ साथ एक चाक चलाने वाला कुम्हार होता था। आज अगर आपको कहीं देखना है तो कहीं नहीं मिलेगा, आपको दिल्ली हाट में मिलेगा, देखने को मिलेगा। आप गांव चले जाइए, गांव में से ख़त्म हो गए। मैं तो गुरुदेव के महाप्रयाण के तुरंत बाद मैंने एक फिल्म बनाई गुरुदेव के ऊपर, दो फिल्म बनाई, उनको फिल्मकारों को लेकर के मैं गांव में गया और हवेली के फ़ोटो ले रहा था मैं, हवेली ताकि गुरुदेव के ज़माने की जो हवेलियाँ थी उनके जैसे शूटिंग करने के लिए गया था। तो वहाँ से हम लौटे तो हमने देखा कि एक मंगलोर का शहर आता है बीच में, मंगलोर कस्बा आता है, उसके पास में गांव है, वहाँ पे चाक चल रहा है और बड़े प्रेम से खूब तेज़ी से दीपक बनाते चला जा रहा है और वो बना रहा है। मैं वो सब के सब चिल्लाई जोर से, अरे ये क्या है। मैंने कहा उतरो तुम देखो, इसकी शूटिंग करो, इसकी शूटिंग इसलिए करो कि लुप्त होने जा रही है ये विधा, लुप्त होने जा रही है, अब समाप्त होने जा रही है। चाइना के दिए आ चुके हैं, चाइना के कुल्लड़ आ चुके हैं, और वो चाइना के जो कुल्लड़ हैं और दिए हैं वो हमारे यहाँ की चाक विद्या को समाप्त कर देंगे, पूरे पूरे कुम्हार को भी समाप्त कर देंगे। मतलब जो बेसिक जो हमारे यहाँ के आर्ट थे वो समाप्त होते चले जा रहे हैं, बेसिक आर्ट समाप्त होते चले जाएंगे, बेसिक कल्चर समाप्त होती चली जाएगी, तो सबके संस्कृति समाप्त होना मतलब ही सब कुछ समाप्त हो जाना। इस देश की देहाती संस्कृति जो थी उसमें से ऐसे बुजुर्ग निकल के आते थे जो अनुभवशील थे, जिनके अंदर चिंतन में गहराई थी और वो बड़े सोच उनकी जो होती थी बड़ी पैनी होती थी, प्रखर होती थी। जैसे अभी आपने कहा कि धार का पैनापन समाप्त हो गया है, बौद्धिक धार का पैनापन समाप्त हो गया, वास्तव में सही अर्थ का कारण यह है कि शहरीकरण ने बहुत दूर तक मार किया है, बहुत दूर तक मार की है, और वो जो मार है वो पूरे पूरे देश की कल्चर को प्रभावित किया उसने। मतलब आप देखिए, जब मैंने पढ़ना चालू किया था, जब मैं 8th 9th में पढ़ता था, 70 और 30 का अनुपात होता था, 70% गाँव है, 70% अर्थव्यवस्था हमारी ग्रामीण है। गांधी जी के ज़माने में 80% कहा जाता था, 70% आए, अब उल्टा हो गया है, अब 70% शहरी है और 30% ग्रामीण है। पर वो ग्रामीण में कितनी है, हमारा उत्तराखंड तो पूरा गाँव पूरा खाली हो गए, सारे गाँव खाली हो गए, सब हल्द्वानी में उतराए नीचे, हरिद्वार उतराए नीचे या देहरादून उतराए नीचे। हमको भौतिक सुविधाओं की इतनी ज़्यादा जो डिमांड है, क्या उनको हम गांव के स्तर पे उतनी पैदा नहीं कर सकते? क्या हम वैकल्पिक ऊर्जा को, एनर्जी को पैदा करके हमारे पास जो भी कुछ साधन हो उनके माध्यम से, हम चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे वो झरनों से आने वाला प्रवाह हो उसमें टर्बाइन लगा के हम करें, विद्युत पैदा करें, क्या हम वहाँ नहीं कर सकते पैदा? अगर हमारे पास ऐसा एक फोर्सिबल बात करने वाले लीडर्स होते, ऐसे रहे होते उस ज़माने में, शायद कर सकते थे। मैं अपने ज़माने की पढ़ाई बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था उन दिनों, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, और मैंने अपनी पढ़ाई करके मेडिकल का किया, डॉक्टर बना, उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद मैं गुरुदेव ने मुझे दर्शन शास्त्र और चिकित्सा विज्ञान का भी आयुर्वेद वाला पक्ष सब पढ़ने के लिए दिया। तब मैंने जाना कि वास्तव में जब गुरुदेव की लेखनी से जब मैंने पढ़ने कोशिश की तो मैंने देखा ये तो देहात से निकला हुआ महापुरुष
जहाँ से गांव से आंवलखेड़ा गांव से निकला हुआ आदमी, इसने जिस तरह से राष्ट्र को पढ़ा है वैसा वैसा राष्ट्र को किसी ने नहीं पढ़ा। राष्ट्र को उन्होंने गहराई से पढ़ा और राष्ट्र को गहराई से पढ़ के उन्होंने कहा कि आज जो समझदारों की नासमझी है उस नासमझी सबसे बड़ी ये है कि हम विकास उन लोगों से करवा रहे हैं जिनको कि एसी में बैठ करके काम करना आता है, बाकी काम करना नहीं आता। ज़मीन पर बैठ के नहीं कर सकते, चौपाल में बैठ के नहीं कर सकते, अमराई के नीचे बैठ के नहीं कर सकते। वहाँ बैठ के करेंगे तो इनको लगता है कि हम पिछड़े हैं और वहाँ बैठ के नहीं कर सकते। इसलिए मैं समझता हूँ, शुरुआत में मैं इतनी बात बताना चाहता हूँ कि ये जो हम जो भी ग्राम संकुल योजना का परिदृश्य सामने रख कर के बात कर रहे हैं बहुत सुंदर है, बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। मतलब मैं समझता हूँ एक युगांतरी घटना है आज की, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और आज इतना छोटा वर्ग है, परंतु ऐसे छोटे छोटे हजारों वर्ग जब बैठेंगे मिलके और जब सब मिलके बैठेंगे, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी करने का मन नहीं, हजारों वर्ग जब ऐसे अलग अलग स्थानों पर बैठेंगे तो इस राष्ट्र का बेसिक विकास हम रूट से, ग्रास रूट लेवल से हम कर पाएंगे। और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो प्रबल मनोबल की, जन हमारे अंदर की मन शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि नहीं, हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और भारत माता की जय हम जब बोलते हैं तो भारत माता की हम मिट्टी को हाथ में लेकर के कहते हैं कि ये मिट्टी जिस किसान को पालन पोषण करती थी वो मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। इसको इंसेक्टिसाइड्स के माध्यम से हम गंदा नहीं होने देंगे, इसको पॉलीथीन से, प्लास्टिक से और अन्य चीज़ों के माध्यम से हम मेला नहीं होने देंगे, हम इसको किसी भी तरह से सुरक्षित बनाए रखेंगे। ये जब हम कसम खाएंगे तो हम माँ के प्रति कसम खा रहे हैं, माँ की कसम खा रहे हैं, और माँ की कसम जो है बड़ी मजबूत होती है क्योंकि माँ के पेट में आपने 9 महीने एक्स्ट्रा स्थान रखा है। पिताजी की गोद में तो आप कभी कभी गए होंगे पर माँ की गोद में तो 9 महीने तो अंदर एक्स्ट्रा रह के आए हो, इसलिए माँ का खून पिया है आपने अंदर से, माँ का खून आपके अंदर से रक्त रक्तमांस में सब में बह रहा है, वही ये हमारी भारत धरती माता है। तो धरती माता की रक्षा करने के लिए हमको कितने प्रयास करना पड़ेंगे मजबूत, और मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में जितने भी संगठन हों उन सभी संगठनों को संगतीकरण करने के लिए हम लोगों को बहुत तेज़ी से सशक्त प्रयास करना पड़ेगा ताकि हमारे देश की माटी सुरक्षित रहे, देश की धूप सुरक्षित रहे, देश की हवा सुरक्षित रहे, देश के जंगल सुरक्षित रहें, देश की जड़ी बूटियां सुरक्षित रहें, लुप्त हो रही प्रजातियां सुरक्षित रहें, जानवर सुरक्षित रहें जो समाप्त होते चले जा रहे हैं वो भी हमारे सुरक्षित रहें, और इन सब के साथ साथ हमारे बेसिक जो मूल संस्कृति है, जो देश की संस्कृति है जहाँ पर हम चौपाल में बैठ के निर्णय किया करते थे, वो निर्णय वहीं होता रहे, कोर्ट में न जाने की बात नौबत आए, कहीं सरकारीकरण हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये जो सरकारीकरण हुआ, बताया आपने कि BDO बन गए, प्रखंड ऑफिसर बन गए, ये बन गए, उसके बाद फिर भी इलेक्शन होने लगे, इलेक्शन ने चुनाव ने नीचे तक ला कर के सारा सारा डिस्ट्रॉय करके रख दिया पूरा सिस्टम। पत्नी को बना दिया है प्रधान क्योंकि वहाँ की सीट जो थी वो महिला की, तो महिलाओं के लिए थी सुरक्षित, पत्नी को प्रधान बना दिया, पर प्रधान कोई दूसरा है, प्रधान उसका पति है और पेपर में आता है प्रधान पति बलात्कार में गिरफ्तार। मेरे को लगा प्रधानपति कौन, मतलब क्या 4-5 पतियों में से कोई एक प्रधानपति होता है? तो लोगों ने कहा नहीं साहब, डॉक्टर साहब पढ़ते नहीं पेपर आप। प्रधानपति का मतलब बताए, जो महिला प्रधान चुनी गई थी उसका पति, उसका क्या रोल है भाई? प्रधान को काम करने तो पति को क्यों काम कर रहे? पति तो हस्तक्षेप करेगा पूरी तरह से क्योंकि ये पूरी तरह से डोमिनेटिंग सोसाइटी है। हमने मैट्रियार्कल सोसाइटी को मात्र प्रधान मात्र मूलक सत्ता को पितृ मूलक सत्ता में कन्वर्ट होने में हमारा भी स्वार्थ रहा है और हम लोगों ने भी मदद की, हम लोगों ने रोका नहीं उसको, इसलिए हमको अब ये झेलना पड़ेगा और झेल करके किसी तरह से संघर्ष करना पड़ेगा, इनसे संघर्ष करना पड़ेगा। जो लोग जबरदस्ती करके जो गाँव में, कस्बे में, छोटे छोटे से गाँव में ऐसा जो एक तरह से प्रदूषण फैला रहे हैं, पूरी तरह से प्रदूषण फैल गया है, ये जो प्रदूषण है वैचारिक प्रदूषण भी है और आस्थागत प्रदूषण भी है। प्रदूषण वही नहीं होता जो धुएं का प्रदूषण होता है या चिमनियों का प्रदूषण होता है, आस्था का प्रदूषण और चिंतन का प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण, इन दोनों को ठीक करने के लिए हमें बहुत बड़े व्यापक स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा। हमें लोकल लैंग्वेजेस में, वहाँ की स्थानीय भाषाओं में साहित्य बनाना पड़ेगा,
परिपत्र बनाने पड़ेंगे, उनको देने पड़ेंगे, और देने के बाद उनको पढ़ के सुनाना पड़ेगा। नहीं लिखे पढ़े लिखे हों तो साक्षरता की क्लासेस भी साथ साथ चलेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे। एक तरफ प्रौढ़ शिक्षा चल रही है, साक्षरता चल रही है, उसके साथ साथ पढ़ने के बाद अब समझो इसको कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। इस तरह से ग्राम संकुल योजना का एक बड़ा विराट परिदृश्य दिखा रहा हूँ मैं, मतलब क्या किस तरह से हम उसको चला पाएंगे, उसका निर्माण कर पाएंगे। और इसके लिए बड़ी व्यापक संख्या में कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी। हम गायत्री परिवार की ओर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आपको देने को तैयार हैं, और बड़ी संख्या में आरएसएस भी दे रहा है, सब कुछ मिलकर के हम लोग प्रयास करेंगे तो होगा। पर मैं एक बार बता दूं आपको कि जहां कहीं भी किसी बड़े नेताजी के द्वारा उद्घाटन होने के बाद ही कार्यक्रम होगा, अगर ऐसा कार्यक्रम आपने बना लिया तो फिर ये ग्राम संकुल योजना नहीं चल पाएगी। एक छोटा से छोटा आदमी, हाँ ये आपको आश्वासन है? हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, ये बता रहा हूँ मेरे सुझाव हैं जो मैं अपने हृदय की वेदना है जो बता रहा हूँ कि क्या होता है कि जो वहाँ का सबसे छोटा आदमी है, जो वहाँ का महत्वपूर्ण की मैन है, जो वहाँ का सबसे खास आदमी, उसको क्यों नहीं उद्घाटन बुलाया जाता, उससे क्यों नहीं उद्घाटन कराया जाता? वो नेताजी के लिए प्रतीक्षा करते हैं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं उत्तराखंड में, वो सुबह के 10 बजे का टाइम देते हैं, पर सब मान के चलते हैं शाम को 6 या 8 बजे करीब आएंगे। तो मतलब आप समय की मर्यादा कोई समझता ही नहीं है, हमारे देश में टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो कब तक बैठे रहेंगे लोग बाग? तो लोग बाग सब शाम को आते हैं, सुबह 10 बजे कोई नहीं आता। तो फिर क्या इस बीच वो आ भी जाते हैं तो आके उद्घाटन करके चले जाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ा? उनके हाथ में कैसी कौन सी पूंजी बरसती है जिससे कि वो उनके उद्घाटन करने से कुछ हो जाएगा? हमको वहाँ का सबसे छोटा छोटा आदमी जो बहुत दिनों से रह रहा है, वहाँ का एक बुजुर्ग, वहाँ का एक अनुभवी पंच, सरपंच या पंच, या वहाँ का एक हरिजन जो वहाँ सफाई के अभियान में कभी शामिल रहा, उसको बुलाना चाहिए। आओ भाई तुम उद्घाटन करो, तुम दीपक जलाओ, पहला दीपक तुम जलाओ, वहाँ से जलेगा तो फिर क्या होगा? जो इसकी बात हमारे यहाँ अंत्योदय की योजना में कही दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानवतावाद में जो बात कही, वो सारी बातें सार्थक होने लगेंगी। ये सारी चीज़ें सार्थक करने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे कदम बढ़ा के, जब शेर पीछे कदम बढ़ाता है और फिर छलांग लगाता है तो तेज लगाता है, तो हम थोड़ा पीछे कदम बढ़ा करके आगे चलेंगे, और पीछे कदम बढ़ाकर बढ़ाते बढ़ाते उसको थोड़ा ठीक ढंग से क्रियान्वित करने का एक मॉडल बनाएंगे। ये चीज़ें जितनी भी होंगी ना, ये चीज़ें आपने सब कुछ लिख के रखा है, इसलिए मैं कुछ लिखा हुआ नहीं बोल रहा हूँ मैं ग्राम संकुल योजना में भी लिखा हुआ है, आदर्श ग्राम योजना में डीपी सिंह साहब ने, त्यागी जी ने, सब ने मिलकर के बहुत बढ़िया योजना बनाई, ग्राम तीर्थ योजना बनाई है। ग्राम तीर्थ बने उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले अवेयरनेस पैदा करें, जागरूकता पैदा करें लोगों के अंदर। इसकी जागरूकता की ज़रूरत क्यों है? जागरूकता नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा आगे? आदमी मशीन की तरह से काम नहीं कर सकता इसमें, मशीन की तरह से नहीं, इसमें मन आत्मा पूरी तरह से नियोजित करके काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे गांव जिंदा हो पाएंगे। अभी गांव हमारे मेरे हिसाब से एनेस्थेटाइज्ड है, बेहोशी की स्थिति में है। उठ के बैठ जाओ और ये काम करो तो बस वो काम करने लगते हैं। क्या करें, शहर की तरफ चलना है, चलेंगे, दुकानें खोलनी है, बड़े बड़े मॉल्स खोलना है, विलेज मॉल्स खोलना है। अभी मैंने योजना पढ़ी इसकी शासन की, भारतीय शासन की, भारत सरकार शासन की, कि वहाँ गांव-गांव में हम विलेज मॉल्स खोलेंगे, सबका सामान खरीद लेंगे और सामान खरीद करके वहाँ अवेलेबल कराएंगे। ये तो आपने एक छोटा शहर और बना दिया एक गाँव के अंदर, और इससे क्या होगा कि इससे शुद्रता बढ़ेगी, संकीर्णता बढ़ेगी, स्वार्थ बढ़ेगा और शोषण बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा शोषण बढ़ेगा। वही माल जो आप 100 रुपये में खरीदा आपने, वही माल 500 रुपये में बिकेगा शहर में जाकर, तो वो माल वहाँ मिलेगा ही नहीं, वो वहाँ चला जाएगा। डिमांड बहुत ज़्यादा है साहब, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये जो शोषण है, आर्थिक शोषण, ये इसी से विकसित होता है कि इसका लाभ कहाँ है। मैंने पहाड़ पे एक छोटा सा गाँव है, मैंने जब शुरू किया था काम तो 2000 आबादी थी, अब उसकी आबादी हो गई 10000 आबादी हो गई, पर्यटन की दृष्टि से भी है। मुनस्यारी नाम का गाँव है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ जिले में, एक 8500 फीट की ऊंचाई पे गांव है और वो तहसील है, पर वहाँ तक सड़क हमारे बीआरओ ने सड़क बना दी है पूरी, और वहाँ चूँकि ट्रैकिंग वगैरह भी होती है, पिकनिक करने के लिए भी लोग जाते हैं और घूमने के लिए भी लोग जाते हैं, बंगाली लोग काफ़ी जाते हैं वहाँ, इसलिए जी हेलीपैड भी है वहाँ पे, हेलीपैड भी है, पर वो हेलीपैड केवल नेताजी के लिए अभी, परंतु अभी हेलीपैड की योजना वो साकार करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुनस्यारी तक हेलीकॉप्टर रेगुलर चले,
उसकी डिमांड आएगी तभी चल पाएगा। एक्चुअली हर चीज़ डिमांड पे डिपेंड करती है। मैं समझता हूँ कि वहाँ तक जाना इजी है रोड के माध्यम से, पर वहाँ जाके अगर आप देखेंगे तो वहाँ के जो बेसिक कल्चर है उसको उन्होंने जिंदा रखा है। वहाँ के उनके जो पुराने मिलम में ग्लेशियर में जहाँ पर तिब्बत से आते थे नमक लेने के लिए और तिब्बत का सामान दे आते थे, वो सारा आदान प्रदान का क्रम पूरा चलता था। पूरे फोटोग्राफ्स उनके पास प्रिजर्व्ड हैं पूरे हैं, पर वो लोग वहाँ से निर्वासित हैं, वहाँ से निर्वासित होकर मुंशियारी में आकर रह रहे हैं। मैंने वहाँ 6 मंजिल का एक बड़ा केंद्र बनाया। अब मैंने, आप कहेंगे मैं शहरीकरण कर दिया, शहरीकरण नहीं किया, पूरी ग्रामीण सभ्यता पर आधारित पूरी तरह से साधना स्वावलंबन केंद्र बनाया है। और स्वावलंबन में सारे चरखे दिए हैं, सारी महिलाएं आके चरखा बुनती हैं और गलीचे बनते हैं, आसन बनते हैं, दरिया बनती हैं, और साधना के लिए वह स्थान बनाया। पर वहाँ अभी -2 टेम्परेचर है रात को, और दिन में करीब करीब 4-5 4-5। तो ये अप्रैल से अक्टूबर तक वहाँ आदर्श योजना चले वहाँ पर। इसी तरह से उत्पालटा, ये कालसी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ से मतलब करीब करीब 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर दूर चक्राता के नीचे, ऐसी इसी तरह से ये शारंगधर वाला जो हमारा रानी पोखरी में भोगपुर जी, उसका ओरिजिनल नाम गांव का शारंगधर वाला है, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ कि ओरिजिनल नाम याद रहना चाहिए अपने। भोगपुर तो बाद में लोगों ने बना दिया, भोग करने वाले लोगों ने तो वहाँ भी हमारा शक्तिपीठ है, वहाँ भी हमारा केंद्र है, वहाँ भी हमने ग्रामीण विकास का तंत्र बनाया है। तो ये जो ग्राम विकास का तंत्र है ये मजबूत करने के लिए हमको हर जिले में, हर गांव के, हर शहर में से जुड़े हुए गांवों में अपनी कल्चर डेवलप करनी पड़ेगी। मैं जब हवाई जहाज से ट्रेवल करता हूँ या हेलीकॉप्टर से ट्रेवल करता हूँ कभी कभी, तो मैंने ऊपर से गांव देखता हूँ कि गांव कहाँ है, अच्छा इस गांव को रोड जोड़ने वाली रोड कहाँ है, वो भी कहाँ है, नाला है बहता है तो उसकी वजह से उसको वहाँ तक पहुँच बनाने के लिए कोई चीज़ है कि नहीं, कोई लिंक है कि नहीं, या ऐसे ही लोग पानी में डूब के तैरते हुए निकलते हैं। ये सारी सारी चीज़ें देखता हूँ। जब ज़मीन से जाता हूँ तो मैं बैलगाड़ी में ही बैठता हूँ, कभी कभी देखता भी हूँ उनको सबको पूरा। मुझे क्या लगता है कि हमारे देश के नेताओं को सबको ज़मीन में आना पड़ेगा, हवा में उड़ के कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक हम ये बात बड़े मजबूती के साथ सब पूरा तंत्र मिल करके सारा सारा RSS गायत्री परिवार पूरे BJP का लोअर केडर जो अलग अलग संघों में अलग संकुलों में डिवाइडेड है सब मिलकर के एक साथ जो इस बात को फैलाने लगेंगे कहने लगेंगे तो लोगों के अंदर संवेदना जागेगी, क्योंकि वो संवेदना सो गई है जो ये विकास की बात करती है। और दुनिया भर के हम लोग अभी बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, मैं तो इस ऑर्डनरी ट्रेन उसमें भी एक्सप्रेस ट्रेन हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रेवल कर चुका हूँ। आप खड़े नहीं हो सकते उसमें। खड़े होने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं गिरेंगे किसी की गोद में, ये हालत है। ऐसे में बुलेट ट्रेन कैसे चलेगी? मुझे तो आश्चर्य होता है कि जापानी लोग आके बुलेट ट्रेन दे जाएंगे और 90,000 करोड़ रुपए की पहला इन्वेस्टमेंट कर जाएंगे, परंतु उससे होगा क्या? 90,000 करोड़ रुपए से आप कम से कम कुछ नहीं तो 9,000, 10,000 या कम से कम मैं और भी ज़्यादा कह सकता हूँ मैं कि आप 10,000 से 15-25,000 से ज़्यादा गाँव को जिंदा कर सकते हैं, पुनः जिंदा कर सकते हैं। मतलब बजाय बुलेट ट्रेन के मेरी पहली नीड है गांव का उद्धार, गांव का पुनरुत्थान। गांव का पुनरुत्थान नहीं होगा, गांव का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो गांव ICU की मांग कर रहे हैं इस समय। हर गांव को इंटेंसिव केयर यूनिट चाहिए। इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब क्या? जो उनके स्वास्थ्य को ठीक कर सके, गाँव के उपज को, गाँव के पानी को, गाँव के युवा को, गाँव की जवानी को रोकने का काम कोई कर सके, ऐसा तंत्र मांगने की सब लोगों की इच्छा है। परंतु वहाँ हम दे रहे हैं पेप्सी, वहाँ हम दे रहे हैं डिस्टल वो पानी बॉटल वाटर, और वहाँ हम सारी सुख सुविधा के साधन पहुँचा रहे हैं। इसलिए अपनी जो योजना है 3 दिन की, 3 दिन की योजना में कुछ ऐसे निष्कर्ष निकल के आएँ, कुछ ऐसी मजबूती से निष्कर्ष निकल के आएँ जिससे कि ये पता चले कि वास्तव में हम लोग गंभीरतापूर्वक इस पर चिंतन कर रहे हैं और एक ऐसा कम्यून बनाने की बात सोच रहे हैं जिस कम्यून में 6 होंगे 8 होंगे 10 होंगे गाँव, पर ये 10 गाँव एक दूसरे पर निर्भर होंगे, परस्पर इंडिपेंडेंट होंगे, और इंडिपेंडेंट होने के बाद ये अपने आप में एक इतने संकुल के रूप में डेवलप हो जाएंगे कि ये एक शहर नहीं बनेंगे बल्कि 10 यूनिट होंगे, उस शहर की 10 यूनिट, उस संकुल की 10 यूनिट, और उन 10 यूनिट में सारे विलेजेस की संस्कृति, बेसिक संस्कृति जिंदा रहेगी, चौपाल जिंदा रहेगी, पंचायत जिंदा रहेगी, और वो व्यवस्था जो न्याय व्यवस्था हुआ करती थी पुराने ज़माने में वो भी जिंदा रहेगी। पुरुष और नारी का के बीच में जो संबंध है वो बहुत
पवित्र बने रहेंगे और परिवार व्यवस्था, परिवार तंत्र जो है वो मजबूत बना रहेगा। ये अगर होता है तब तो ठीक है, अगर ये नहीं होता है और हमने फिर 10 गांवों को मिला करके फिर एक शहर कस्बा बना दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आज यही हो रहा है, शहर से जुड़ा, सड़क से जुड़ा हुआ गाँव तुरंत मर्ज हो जाता है, एक दूसरे गाँव में, दूसरा गांव तीसरे गांव में, तीसरा गांव चौथे गांव में, ऐसे मर्ज होते होते एक कस्बा बन जाता है बड़ा। वही कस्बा भी थोड़े दिनों बाद शहर कहलाता है और शहर बनते चले जा रहे हैं, कस्बे बनते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, संख्या बढ़ती चली जा रही है। भारत की जमीन जो है उपजाऊ जमीन, वो हमारी जो है गड़बड़ाती चली जा रही है। उपजाऊ जमीन गड़बड़ा जाएगी, खेती गड़बड़ा जाएगी, खेत बंजर हो जाएंगे, तो जो हाल महाराष्ट्र में हुआ था आत्महत्याओं का सिलसिला, वो पूरी आत्महत्याएं सारे देश में होने लगेंगी। और अन्नदाता देश का अगर मर गया मान लीजिए तो फिर अन्न कौन देगा? फिर क्या इम्पोर्ट करोगे आप? क्या करोगे? बुलेट ट्रेन बेचोगे और फिर 90,000 करोड़ से आप अनाज मंगाओगे बाहर से? क्या करोगे? कुछ नहीं होने वाला। मैं समझता हूँ कि नीति निर्धारकों को, निर्माताओं को, हमारे प्लानर्स को, बड़े बड़े लोगों के साथ जिनके पास खूब पैसा है उनके साथ बैठ करके, यहाँ बैठ करके बातें करनी चाहिए और मिल करके, और ये सारी योजनाएं बननी चाहिए तो गांव में बैठ के बननी चाहिए। गांव चलो, गांव में आपको में दिक्कत होती है, सफाई वफाई की व्यवस्था नहीं होगी, ये नहीं होगा, चलो हमारे यहाँ जाओ, शांति कुंज आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, पतंजलि में बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, और कहीं भी जहाँ जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी का जो स्थान है वहाँ बैठ जाओ, अटल जी के यहाँ जाके बैठ जाओ, बटेश्वर में जाके बैठ जाओ, वहाँ बैठ के चर्चा करो, जहाँ वाइब्रेशंस मौजूद हैं ऑलरेडी, उन लोगों ने जन्म लिया वहाँ पर। आमलखेड़ा चलो हमारे साथ बैठो वहाँ पे, हम आपको वहाँ बताते हैं कैसे क्या करना है। ये सारी चीज़ें संभव हैं यदि ये सोचा जाए कि किया जा सकता है, और ये सारी चीज़ें असंभव हैं यदि सोचा जाए नहीं ईजिली तो वहीं हो सकता है। लो ईजिली जहाँ वहाँ, ईजी मतलब कठिन संघर्ष से ही अच्छे मार्ग पर पहुँचा जा सकता है। बहुत बढ़िया कठोपनिषद का वाक्य है, आप सब जानते हैं, विवेकानंद ने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, वरान निबोधत, श्रेष्ठ पुरुषों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम उठो जागो रुको मत, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। फिर उसकी अगली लाइन बड़ी जोरदार है, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या, क्षुरस्य धारा छुरे की धार पर चलने के समान है, निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत् कवियो वदंती, ऋषि कहते हैं, कवि यानी ऋषि कहते हैं कि छुरे की धार पर चलने के समान है मार्ग। आए क्यों थे? इससे अच्छा IIM में नौकरी करते, IIT में नौकरी करते, कहीं और काम करते, यहाँ क्यों आए थे? अगर इस क्षेत्र में आए थे, अध्यात्म क्षेत्र में, ग्रामीण ग्रामोत्थान के क्षेत्र में, आदर्श ग्राम निर्माण के क्षेत्र में, RSS के क्षेत्र में आए हो, तो फिर आराम की मत सोचो, फिर छुरे की धार पर चलने के समान सोचो। बार बार हमको एक ही बात कहनी पड़ेगी, छुरे की धार पर चलना पड़ेगा, छुरे की धार पर चलना पड़ेगा। और ऐसा एक्चुअली ये संभव हो सकता है यदि हम लोग प्रयास करें, तो हम लोग प्रयास करें, लोगों को तैयार करें, तो नई पीढ़ी में बहुत अच्छी प्राणवान, जिनके अंदर ओज है, बल है, तेजस्विता है, ये लोग सब उभर के सामने आ रहे हैं। क्या हम इनको तैयार कर सकते हैं? क्या हम इनको रेडी कर सकते हैं? अभी भी दक्षिण भारत में हो क्या आया, मैं बहुत व्यापक दौरा किया मैंने दक्षिण भारत का, पूर्वी तट का भी, पश्चिम तट का भी, मध्य का भी, और मैंने देखा वहाँ गाँव जिंदा है, और गांव जिंदा है, और गांव से बैलगाड़ियाँ जाती हैं, और भी अलग अलग तरह के वाहन हैं उनके, वो जाते हैं और वो सारा सामान वहाँ बेच करके और फिर आते हैं शहर में बेच करके, क्योंकि शहर में उनको सस्ता मूल्य मिल जाता है और ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। परंतु यदि ये व्यवस्था ऐसी, तंत्र ऐसा बन जाए, बिक्री का तंत्र ऐसा बन जाए कि गाँव वालों को वास्तविक मूल्य मिले, हम वहाँ गलीचा बनवाते हैं मुंशहरी में और उत्पालटा में, तो उनको वास्तविक मूल्य देते हैं, जो हमको मिल रहा है उस मूल्य में से केवल आने जाने का कार्ट्रिज छोड़कर बाकी जितना मूल्य बचता है सब उनको दिलवाते हैं। इसी वजह से वो लोग हमारे पास आए, इसी वजह से वो खादी KVIC से जुड़ी हुई चूँकि हमारी संस्था है उत्तराखंड की, उनके भ्रष्टाचार वाले तंत्र में नहीं घुसे, हमारे साथ मिले, और हमारे साथ मिलने के बाद उन्होंने काम करना चालू कर दिया। तो भाइयों बहनों, मैं आप बड़ा अफसोस के साथ कहता हूँ, मैं आदर्श ग्राम योजना पर कुछ नहीं बोल पाया, पर मैंने मूल योजना, मूल धुरी बता दी आपको, जिस धुरी पर आपका चिंतन चलना चाहिए। अब से लेकर आदरणीय बजरंगलाल जी के लेक्चर के बाद, लेक्चर में, लेक्चर के बाद, धुरी ये चलनी चाहिए कि हमको किसी भी तरह से गांव को जिंदा करना है, और गांव जिंदा तब होगा जब गांव में हम जाना चालू करेंगे, हम एक दूसरे से मिलना चालू करेंगे। हम एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, मिलना असंभव हो गया है, और सबसे पहले पूछते रेंज है कि नहीं, वहाँ पर रेंज है कि नहीं, रेंज है कि, रेंज आती है कि नहीं। मान लो रेंज नहीं भी आती हो, थोड़े दिन रेंज के बाहर रह के देखो ना,
मतलब वाईफाई नहीं है और रेंज नहीं है, थोड़ी देर उसके बाहर रेखो रेखो देखो ना, मानसिक शांति उसी में है। मैं इसलिए कहता हूँ कि कई बार मेरे को लोग बहुत परेशानी होती है, जो लोगों को देखता हूँ इतने परेशान जैसे कोई घर का कोई पूरा सब कुछ चला गया हो। क्यों? रेंज नहीं आ रही मालूम नहीं, बहुत देर से बात नहीं हुई। अरे नहीं बात हुई तो अच्छा है, कम से कम कई नेगेटिव बातें आने से रुक गई। नेगेटिव बातें आती तो परेशान होते, इससे अच्छी चिंता में नहीं पड़े, उद्योग नहीं हुए, थोड़ा शांति से रहो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा ध्यान करना सीखो, थोड़ा मन प्रसन्न करना सीखो, रखना सीखो। तो ये तभी हो पाएगा जब हम अपनी पुरानी संस्कृति की ओर चलेंगे, पुरानी संस्कृति को। मैं नहीं कह रहा हूँ कि देश को जंगल राज में ले जाना है और लाइट समाप्त कर देनी है और सब समाप्त कर देना है और टीवी भी समाप्त कर, कुछ नहीं कह रहा हूँ। अगर आप ग्रामीण स्तर पर टीवी को चालू करवा सकें तो मैं उसके लिए भी राजी हूँ, और ग्रामीण स्तर पर अपने कम्यून का पूरे पूरे संकुल का एक टीवी सिस्टम चले, पूरे संकुल का टीवी सिस्टम दिखाए, और एक दिन सप्ताह में एक दिन या सप्ताह में दो दिन दिल्ली की गंदगी तो नहीं दिखाए कम से कम। आस्था संकट से हम लड़ेंगे, पर सबसे बड़ा ये बुद्धिगत विपर्यय जो हो गया है, बौद्धिक आदमी का, जो आदमी गलत दिशा में चला गया, उसको ठीक करने के लिए अपने को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपकी मेहनत में हम साथ हैं मदन लाल जी, आपके साथ हम, आप अर्थशास्त्री रहे हैं, आपने बहुत चिंतन किया है, आपका आर्थिक चिंतन पूरी तरह से हमारे चिंतन से मिलता जुलता है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरह की काम करने में, हम सब लोग मिलजुल काम करेंगे। अपनी बात समाप्त करता हूँ, ओम शांति।